बदला समय है बदले निशान। 5 वर्षों बाद स्वागत है फिर आपका। जय सियाराम। समय के साथ कुछ लोगों का वक्त बदलता है और कुछ लोग वक्त के साथ खुद बदल जाते हैं। क्या समय ला पाया है हमारे परम भक्त में भी परिवर्तन? आइए मिलकर जान लेते हैं अखिलेश पांडे से। अरे का हो गया? अब ठीक तो है? अरे आप काहे रोज उठा रहे? आप हमका आवाज दीजिए ना, हम उठाई दे रहे हैं। चलो बेटा, भगवान का अवतार हूँ। ये ले चाचा, भगवान को याद किए और पिशाच का भतीजा आ गया। ओ सारे मजदूर यहाँ आओ। आज से हमारे सारे मजदूर 200 में नहीं 150 में हमाली करेंगे। मंजूर हो तो ये कागज पे आके अंगूठा लगाओ और जिसको ना मंजूर हो तो पतली गली पकड़ के निकल ले। अरे एक कॉन्ट्रैक्टर बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम ज्यादा लीडर बन रहे हो। तुमको नहीं मंजूर है ना, तुम अंगूठा नहीं लगाओगे ना, तो निकलो पतली गली से। बताए हमको कहाँ पे अंगूठा लगाना है, बताइए। ये हुई ना बात, आओ लगाओ यहाँ पे। यहाँ कैसा? अरे यहाँ कैसा रहेगा? क्या कर रहे हो? तुम्हारी हरकत है ना, हम तुम्हें सू करके रहेंगे। सू समझते हो? सू मतलब क्या होता है? तुम का समझोगे बे सू? दो टके की चाहे लोग हमारे। अच्छा हुआ बड़े साहब आगे से तुम बच गए। इतने बड़े आदमी और पहनावे से एकदम विनम्र है, हमें तो लगा बड़े साहब महंगे सूट बूट में आएंगे। अरे शनिवार आती ससुर के नदी भैया जी, बड़े साहब सूट बूट ही तो पहनते हैं। दूर है आपके बड़े साहब। अखिलेश पुष्पा पांडे हैं। हमें तो लगा कि दो टके के जाहिल गवार है। यही लगा ना, क्योंकि आपकी तरह मैं अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं बोल पाता। तो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, बात वो है कि लैंग्वेज इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, डोंट मेक इट मीन्स फॉर डोमिनेशन। द स्किल ऑफ लैंग्वेज डोर वे टू विजडम। And wisdom says everyone smiles in the same language. So kindness, Mr. Contractor, kindness. That's the language of God. Everything else is just poor translation. हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई साहब, तुम्हें समझ में नहीं आया, हमें माफ कर दीजिए। इन गरीबों की कमाई मार मार के ही ये कलाई पर सोने की घड़ी बांधती है ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पूरा वक्त अब शुरू होने जा रहा है। अगर जेल जाने से बचना चाहते हो ना, तो ये गरीबों के जो पैसे लूटे हैं ना, इसी समय वापस लौटाओ, अभी। बड़े साहब, हमें माफ कर दीजिए बड़े साहब। जब से सजा देना सीखा है, गलतियों को माफ करना छोड़ दिया है। बड़े साहब की जय हो, बड़े साहब की जय हो, बड़े साहब की जय हो। मेरी जय जयकार करने की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी अम्मा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। आज उनका जन्मदिन है और मेरे होते हुए भी अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ मना रही है। Happy
बताते आपने क्राउन क्यों पहना है? बिकॉज लाइक क्वीन इंग्लैंड आई डू स्पीक इंग्लिश एंड व्हाट इज क्वीन विदाउट क्राउन? अगर आप शेक्सपियर यहाँ पर जिंदा होते तो इनकी इंग्लिश सुनकर वापस लौट जाते। क्या हुआ? नाइस क्राउन। Come ban, come all. You want get hurt? Come, come. No thanks me. Thanks my red. मेरा लाल. My liver piece Akhilesh. मेरा जिगर का टुकड़ा Akhilesh. I Akhilesh video call. के गूगली वीडियो कॉल अखिलेश। ओके वीडियो कॉल इन सुरेश। ए पगला एक महिला सुरेश को काहे फोन लगा रही हो? हम अखिलेश बोले थे, सुरेश हमारा धोबी है। अखिलेश कॉल अखिलेश। कौन सुरेश? अखिलेश। कौन सुरेश? ए चुप रहो, हम खुद ही लगाते हैं। अम्मा वीडियो कॉल कर रही है हमें। प्रणाम अम्मा। Hey Gulu, how are you? How going everything? ये तुम्हारे सर का ताज दिख रहा है। एक बात बताओ हमका, ये हमसे अंग्रेजी में काहे बतियाती हो तुम? अरे हमारी बोली से तो पता लगना चाहिए ना कि हम इतने बड़े आदमी की अम्मा है कि नहीं? अम्मा पेड़ भले जितना ही ऊंचा हो जाए लेकिन उनकी जो जड़े होती है ना वो हमेशा जमीन में ही जुड़ी रहती है। ये दुनिया वालों के लिए भले ही हम अंग्रेजी में बोलने वाले गाड़ी घोड़ों में घूमने वाले अखिलेश पांडे बन चुके हैं लेकिन तुम्हारे लिए वही पुराने बनारस के अखिलेश पांडे हैं। वो कहा है कि हमारे सीधेपन और हमारी सरलता की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। 5 साल के बाद भी तुम्हारे घाव जो है वो भरे नहीं है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी जब एक छोटा सा बच्चा तुमको अपनी मीठी मीठी आवाज में बापू बापू कह के पुकारेगा ना तब तुम्हारी आंखों में रौनक आएगी। ये बात जानते हैं हम। कुछ जरूरी काम याद आ गया, हम फोन रखते हैं। ए गुल्लू गुल्लू सुनो तो। शनिवार आधी ससुर का नदी भैया जी एक बात पूछे तुमसे। जब भी चाची बच्चे के बारे में पूछती है तो आप इतने परेशान काहे हो जाते? बच्चों के नाम से मुझे इरिटेशन होती है चंदू। मुझे ना फैमिली चाहिए ना बच्चे चाहिए, अकेला ही ठीक हूँ। शनिवार आती ससुर का नदी, ये बात को छोड़िए भैया जी। जानते हैं आज जब आज कुर्ते में थे ना आप तो बहुत ही खुश लग रहे थे, हम भी बहुत खुश लग रहे थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पुराने भैया जी ना फिर से लौट आए हो। ड्राइवर गाड़ी रोको। जी सर। क्या हो गया भैया जी? बाहर आउट। का है भैया जी, का है? पुराना अखिलेश मर चुका है चंदू, वो कभी लौट के नहीं आएगा। मुंबई की अगली फ्लाइट देखो, टिकट बुक करो और मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन भैया जी देखा गुल्लू के बापू, हमारा गुल्लू कितना बदल गया है। हम सोचे थे पिछले 5 सालों में जो घाव ईरा ने दिया है वो भर गया होगा लेकिन नहीं, समय के साथ गुल्लू का दिल पत्थर हो गया है। ए मुरली मनोहर, हमरे गुल्लू की खोई हुई मुस्कान तो लौटा दो, कौन चमत्कार दिखाए दो, उसके जीवन में कौन एक नन्हा सा फरिश्ता भेज दो ना। ओए मिश्री जब खेले मिश्री का वंडे सारे मुस्तंडे अरे पड़ जावे Oh, my God.
ये बात एक अकेले लड़की को तुम चारों मिलकर हरा नहीं पा रहे। दत्त उठा। आज फिर स्कूल से गुटली मारकर यहाँ कुश्ती खेल रही हो। स्वर व्यंजन तो तुमसे बोला नहीं जाता और ये लड़कों के साथ क्या मार पिटाई कर रही हो? आज तो हम तुम्हारी अम्मा से शिकायत कर लेंगे कि मिस्री है ना झूठ बोलती है। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, झूठ बोलेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हमको। स्वर व्यंजन ही सुनने हैं ना आपको, तो ई लीजिए सुना देती हूँ। क्या बात है मिस्री बेटा, क्या बात है। सारे मुस्तंडे मिस्री बिटिया सबास। ये गांव के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा देखा है कि एक लड़की ने ही चारों लड़कों को हरा दिया हो। आज की जीत के लिए हम तुमका पुरस्कार जरूर देंगे। मिस्री मिस्री। अरे बापू ये पुरस्कार देखकर बहुत खुश होगी। हम अभी उनको ये दिखा कर आते हैं। अरे अपनी अपनी दुकानें समेट लो भैया, अरे आफत की पुरिया चले जा रही है। कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। अरे मेरे को ये सब सीखना है। अरे का हानि पहुंचा दिया मिस्री, अभी आधा घाघरा और आधा कच्छा कौन पहनेगा? गुप्ता जी आप ऐसे पैर ताने रहेंगे तो हमारी समझ में कहाँ आएगा। अरे मैडम जी, विटामिन की सुई के डर से हमारी मांसपेशियां तन गई है। ताजी हमने आपसे कहा है ना कि हम आपको सुई नहीं लगाएंगे, पैर तानिए। सारे दर्द खराब कर दिए तूने, आज ही तुम्हारी अम्मा से मैं शिकायत करूंगा। अरे
मेरी रीढ़ की हड्डी फिर सरक गई। अरे ये हानि करना कब छोड़ दोगे तुम मिश्री बिटिया? मिश्री, बापू, ये देखो तुम्हारे आशीर्वाद का नतीजा। आशीर्वाद का नतीजा? मिश्री, तुम फिर ट्यूशन छोड़ के अखाड़े चली गई थी? झूठ बोला ना तुमने हमसे? नहीं नहीं बापू, झूठ बोलेंगे तो भगवान हमको नरक में भी जगह नहीं देंगे। और अब हम भी क्या करें बापू, अखाड़ा देखते हैं तो हमारे पैर अपने आप अखाड़े चल पड़ते हैं। अच्छा, और हर सुबह जो ये आधा मोहल्ला तुम्हारे पीछे आ जाता है उसका क्या? मिश्री, मिश्री, हमने देखा नहीं होता तो कहीं गिर जाता ये। हमने कहा है ना मिश्री, किसी खास इंसान का आशीर्वाद है बेटा। बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना ही करो, चलो तुम घर चलो, हम अभी पक्की वाली डोरी लेके आते हैं, फिर ये लॉकेट कभी नहीं गिरेगा। अगर ये लॉकेट हमारे पास नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। 5 साल पहले हुए उस हादसे में ये लॉकेट ही तो हमारा रक्षा कवच बना था। हमने देख लिया सब जगह, चलिए जल्दी करिए, एम्बुलेंस बस निकलने को है, जल्दी करिए। अखिलेश का बच्चा है भगवान, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। आवाज आ रही है ना? सुनिए, कुछ कुछ तो आवाज आ रही है। सुषमा राम दुलारी जल्दी आओ, देखो वहां पे। हे भगवान, वो देखो लड़की बेहोश पड़ी है, चलो उसको बचाते हैं। उस दिन हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई थी कमला चाची, उन्होंने हमें उनके घर में ही नहीं उनके दिल में भी जगा दी। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, बच्चा जटिल अवस्था में से है, ये किसको बचा पाएंगे, सच्चा या बच्चा? हम दोनों बचेंगे, अशोक बलि हम दोनों को बचाएंगे। इमरती बटवाओ, इमरती बिटिया हुई है। तुमने आज तक मेरी रक्षा की, आज से ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। जिंदगी में मिठास वापस आने वाली मेरी मिश्री। मिश्री अखिलेश। अखिलेश की एक लौती निशानी है हमारे पास।
लेकिन हम चाहकर भी उसे अखिलेश से नहीं मिला सकते। तुम्हारी अम्मा को हमने मौत के मुंह से वापस खींच के लाया है, किंतु अपने वचन को याद रखना। हमको अपना वचन याद है पापा। पालक होते ही उनका हम आपको समर्पित कर देंगे पापा। ये हमारा वचन है। हम मिश्री पर बाबा का साया तक नहीं पड़ने देंगे, इसलिए मुंबई से दूर जौनपुर के पास एक छोटे से गांव में हमने मिश्री और हमारी दुनिया बसा ली है। भगवान करे अखिलेश और मोटी बाप हमें मिश्री को उनसे दूर रखने के लिए माफ कर पाए। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। आगे खाइए। आ रहे हैं मिश्री, थोड़ा सब्र रखो। आज फिर इतनी बड़ी हानि कर दी है तुम्हारी बिटिया ने। पूरे 500 रुपए का नुकसान किया है। तुम्हारी ये हानि पहुंचाने की आदत कब जाएगी? बापू! ड्राइवर गाड़ी रोको। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा? कहते हैं हनुमान कभी नहीं बदलता, लेकिन कलयुग ने आखिर हनुमान को भी बदल दिया। पुराने अनुभवों ने हमारे भक्त को कड़वाहटों से भर तो दिया, लेकिन क्या ये नन्ही सी जान मिश्री की डलियां बनकर अखिलेश के जीवन में मिठास वापस ला पाएगी? क्या होगा पिता और बेटे की मुलाकात का अंजाम, देखिएगा कल। तब तक जय सियाराम।